टोटल जो है यहाँ पे 50,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 5,000 शिक्षक हैं। 5,000 शिक्षकों को 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जब पेट भूखा होगा तो आगे आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज हम जो है मानसिक रूप से भी परेशान है, शारीरिक से भी परेशान है। हमारी माताएं जो घर में हैं वो बीमार हैं, हम उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। घर में खाने पीने के बिल्कुल लाले पड़ चुके हैं। बच्चे हमसे फीस के लिए बोल रहे हैं। बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे अगर खुद से मेंटली हम सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज़ से, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक पर आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पे, जहाँ पे पूर्वी दिल्ली के जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं वो बड़ी तादाद में हड़ने बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन जो ये शिक्षक हैं इनकी समस्याएं क्यों बनी हुई है और आगे का रास्ता ये लोग क्या देखते हैं और इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वेतन है। हमें पिछले 5 महीने से, अब बल्कि 6ठा महीना शुरू हो गया है, हमें वेतन नहीं दिया गया है। पेंशनर्स को 6 महीने पूरे हो गए हैं, 7वां महीना चल रहा है, उन्हें पेंशन नहीं दी गई है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी के घर में कोई सिंगल अर्नर है या पेंशनर भी एक सिंगल है तो उसका घर कैसे चल रहा होगा। उसके पास ना खाने के लिए कुछ कोई खाना है, ना रोज लेने के लिए दूध है, ना सब्जी है, ना बीमार होने पर हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा है, ना दवाई खरीदने के लिए पैसा है। यहाँ आने के बाद समस्या ही समस्याएं हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आती हूँ, लगभग 60 से 70 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है और मेरा डेली का जो रूटीन का किराया है वो बिल्कुल फिक्स है। और अगर मेट्रो निकल गई तो अगर मुझे कैब से भी आना है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं डेली कैब से आ सकूँ। 1000-2000 रुपीज़ पर डे लगता है, तो आप ही सोच लीजिए कि मैं किराया कहाँ से दूँ, स्कूल में टाइम से कैसे आऊँ। इसी साल अप्रैल में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और मैं उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, एडमिट कराने के लिए गया, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसे अरेंज करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये 6 महीने क्या, पिछले कई सालों से, कई महीनों से यही हो रहा है। पीछे लॉकडाउन में भी यही रहा है। हमारे घर की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई है। जो हमारे घर में कमा रहे थे उनकी जॉब छूट गई और हमारी सैलरी बंद हो गई और सारी समस्याएं हम झेल रहे हैं। पैसे है नहीं, सारे खर्चे रुक नहीं रहे हैं, बच्चों की फीस रुकी पड़ी है, हमारा घर जो है वो किराए पे है, 6-6 महीने से किराया नहीं गया। अब ये बताइए, जो आदमी किराएदार हो, बच्चे उसके इसमें, उनकी जो है नौकरी छूट गई कोरोना में और बुढ़े को पेंशन नहीं मिलती, बुढ़िया को पेंशन नहीं मिलती, तो बच्चे क्या खाएंगे बता दो। 5-5, 6-6 महीने तक पेंशन नहीं मिलती, पेंशन के एरियर जो बच्चे हैं वो नहीं मिलते। बहुत तो करेंगे जब कहेंगे भाई इस महीने की रिलीज कर देंगे हम, तो ये सारी समस्या हमारे सामने है बेटे। बहुत सारे तो पेंशनर्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एक तरह से गिरवी हो गए। जब वो शुरू में पैसा जमा करके वहाँ गए अपना इलाज कराने, तो अपना बकाया चुकता करके उनको घर लाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है। उधारी हम कितने लोगों से लें, उधार लेने की भी एक सीमा होती है। मेडिकल खर्चे हैं, कुछ भी होता है पहले पैसा चाहिए होता है, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। EMI है सारी बाउंस हो रही है, सिविल खराब हो रहा है, कुछ करना भी चाहे, आगे लोन लेना भी चाहे तो लोन नहीं मिल पा रहा हमें। फंड रिलीज नहीं हो रहा, पीछे से फंड रिलीज नहीं होता है, कोई ना कोई बार बार कोई ना कोई रीजन बता के हमें बार बार भेज दिया जाता है। इसी वजह से इस चीज को देखा ही नहीं जा रहा है कि टीचर बहुत सारा बहुत दूर से भी आता है, वो कैसे आएगा। बच्चे भी हैं, बच्चों के एडमिशन हुआ है अभी 2 साल के बाद, स्कूल खुले हैं, हमारे खुद के बच्चों की ड्रेस बुक सब हम नहीं ले पा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम को मैनेज करना। 7th पे कमीशन का एरियर आज तक नहीं मिला किसी को भी। 16 में आया था 7th पे कमीशन, आज कितने साल हो गए ये देखिए, अभी तक नहीं मिला है। बार बार लिख लिया, बार बार सब अधिकारियों से मिल लिए, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने नाम के लिए यूनिफिकेशन कर दिया है, लेकिन अब तो हमें लगता है कि मोर भी ज़्यादा अनाथ होते जा रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा हमारे वेतन के लिए, ना निगम सरकार, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, कोई भी जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन के टाइम में बच्चे जब विद्यालय नहीं आ रहे थे तब हम लोग उनको प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते थे, हर एक सप्ताह के लिए हर क्लास वाइज हम देते थे, और हर एक प्रिंटेड मटेरियल जो है एक बच्चे का 15 से 16 पेज का होता था, जो कम से कम 22 से 23 रुपए का पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 500-600 बच्चे हैं उनको हम हर हफ्ते 500-600 बच्चे को 22-23 रुपए का सामान हर हफ्ते प्रोवाइड करेंगे, तो साल में हम कितना खर्च कर चुके होंगे। मेरा 4 लाख रुपए इस चीज़ का बकाया है, लेकिन
वो भी नहीं हम मांग रहे, पहले हमें वेतन तो दो तब हमें वो चीजें दे देना आप। विद्यालय में काम करने के लिए सब तैयार है, हम काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। और आज हम यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं वो अपने वेतन को लेकर ही धरना दे रहे हैं, और आज हम यहाँ से वेतन लेकर ही जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए तो पहले टीचर की बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। अगर ये तीनों चीजें बिना पैसे के, तो ये तीनों में से एक भी नहीं आएगा। अगर यही कम्प्लीट नहीं होगा तो हम आएंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या, और कैसे फिर MCD का ऊपर हम प्रोग्रेस को हम दिखा पाएंगे। सारी दुनिया को ये लगता है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। लोगों के आगे हमें इतनी बेइज्जती होती है ना कि हम एक तो सरकारी एम्प्लॉई और हम उधार भी नहीं मांग सकते। वो कहते हैं कि तुम्हें तो सरकारी नौकरी है, लॉकडाउन में तुम ही तो कमा रहे हो, तुम्हें ही मिल रहा, लेकिन हमारी हालत सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। अभी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि कम से कम इंटरिम रिलीफ की तरह एक या दो सैलरी हमें नहीं दी जाती। अगर एक या दो भी हमें दे देंगे तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से उठेंगे और आगे के लिए केंद्र के पैकेज का हम इंतज़ार करेंगे, और अगर फिर भी एक डेढ़ महीने के अंदर उसकी घोषणा नहीं होती तो हम दोबारा से फिर यूनिफाइड होने के बाद सिविक सेंटर पे बैठेंगे। हम उठेंगे तभी जब तक हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। आज हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं और आज हम यहाँ से भी वेतन लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें कम से कम 2-3 महीने का अगर मिलता है तो कम से कम कुछ हमें आराम मिलेगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई आगे तक लेके जाएंगे। और इस बार तो हम अपना वेतन जो है निश्चित सुनिश्चित कोई ना कोई डेट भी हम तारीख तय करवाएंगे। अभी आपने सुना जो प्रदर्शनकारी शिक्षक थे, उन्होंने बताया किस तरह से उनको पिछले 6 महीने से वेतन ना मिलने के कारण आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ रहा है, और कई शिक्षकों को सामाजिक रूप से भी तिरस्कार झेलना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम आज भी इन शिक्षकों के वेतन देने के बजाय अपने नफरती बुलडोजर और राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आगे एक शिक्षक की मांग मानी जाती नहीं मानी जाती, आंदोलन का कैसे लंबा चलता है इसको देखते हैं, और आगे जो भी अपडेट होगा न्यूज़ क्लिक आपको देता रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।